वंदे वाणी विनाय। संस्कृत भाषा देव भाषा कही जाती है, यह समस्त भारतीय भाषाओं की जननी। इस भाषा का गौरवमय इतिहास है और इसको आदि भाषा भी कहते हैं। संस्कृत प्राय सामान्य प्रयोग में नहीं है, लेकिन एक सुहा आश्चर्य है कि आप ये जानेंगे कि कर्नाटक में एक गांव है मुत्तुरु, उस गांव के सभी नागरिक चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो रोजमर्रा के जीवन में संस्कृत का प्रयोग करते हैं। संस्कृत भाषा पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जानते हैं कि इस भाषा की गरिमा कितनी है। अभी कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर जानने वाले लोगों ने, ऐसे संबंधित वैज्ञानिकों ने संस्कृत भाषा को कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा की संज्ञा दी है। ये बहुत ही दुखद है कि हम अपनी इस देव भाषा को न के बराबर जानते हैं, जबकि इसके विपुल साहित्य को देखा जाए तो शायद ही कोई विषय ऐसा हो, शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां संस्कृत की दृष्टि ना गई हो। संस्कृत के इस विपुल साहित्य को देखकर विदेशी विद्वान भारतीय साहित्य के प्रति आकर्षित हुए। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसका उद्भव माना जाता है आधुनिक दिनों में वैदिक संस्कृत, उसके बाद सामान्य संस्कृत का प्रचलन आया और बाद में भाषा के विकास के क्रम में प्राकृत पाली अपभ्रंश होते हुए हम हिंदी जो पढ़ रहे हैं वो उसी का परिवर्तित रूप है। हम हिंदी भाषा को जो पढ़ते हैं, शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं, तो शुरुआत हमारी वहीं से होती है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। हमारा मूल वही है संस्कृत। तो आज संस्कृत भाषा के कार्यक्रम के साथ हमारे बच्चे आपके समक्ष हैं, लीजिए परंपरा के अनुसार वो कार्यक्रम आपके समक्ष होगा और आप उसमें सहयोग करेंगे। हेलो, नमस्कार, नमो नमो, बैठे जो है आपका नाम क्या है? भगवान नाम की मेरा नाम राहुल है। मम नाम महेश अस्ति अस्ति। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? भगवान कथम अस्ति? आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ। हम कुशल अस्मि। हेलो, नमस्कार, नमो नमो, आपका नाम क्या है? नाम आपकी? मेरा नाम राहुल है। मम नाम मनीष अस्ति। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? भगवान कथम अस्ति? आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ। हम कुशल अस्मि।